डेट है आज 6 मार्च 2021। आज के करंट अफेयर देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लास्ट में ही करेंगे, जो कुछ करंट अफेयर और कुछ स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? सेंट्रल रेवेन्यूज़ कंट्रोल लेबोरेटरी, ये अभी न्यूज़ में है। ये क्या है इसे पढ़ेंगे। माँ बम्लेश्वरी देवी टेम्पल न्यूज़ में है, इसे प्रसाद स्कीम के अंदर अभी इंक्लूड कर दिया गया है, तो इसे पढ़ेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ CBI डायरेक्टर, इससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। फूड प्राइस इंडेक्स क्या है, ये कौन रिलीज़ करता है। रेड राइस अभी न्यूज़ में है, इससे रिलेटेड न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। स्पेस हरिकेन ये क्या है इसे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या है? सेंट्रल रेवेन्यूज़ कंट्रोल लेबोरेटरीज अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये न्यू दिल्ली में सेटअप है, सेंट्रल रेवेन्यूज़ कंट्रोल लेबोरेटरी। इसे रिसेंटली वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने रीजनल कस्टम लेबोरेटरी बना दिया है, जो इंडिया में लोकेटेड है। किसके लिए बनाया रीजनल कस्टम लेबोरेटरी? फॉर द एशिया एंड पैसिफिक रीजन, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट और पैसिफिक रीजन के लिए एक रीजनल ब्रांच बना दी है। जैसे ऐसे समझो जी, कोई मान लो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी एक मेन क्या है उसका हेड ऑफिस और एक मेन ब्रांच एक होती है, और वो मान लो अपनी कोई ब्रांच खोल दे डिफरेंट सिटीज़ में, ताकि वहाँ से भी वो एडमिशन वगैरह कर पाए, हैंडल कर पाए, एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, लेकिन उसकी मेन ब्रांच एक जगह ही रहेगी। तो ये क्या है, ऐसी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मेन ब्रांच तो एक जगह ही है, लेकिन वो क्या है, कस्टम को यानी कि ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए रीजनल ब्रांच बना देती है, क्षेत्रीय ब्रांच जगह जगह पे। तो एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए ये जो सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी है न्यू दिल्ली में, इसको डिक्लेयर कर दिया है रीजनल कस्टम लेबोरेटरी। अब ये जो सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। ये किसके अंदर काम करती है? एक सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम है जी, इसके अंदर काम करती है ये CRCL, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर। मतलब सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये इसे डायरेक्शन देता है, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ये कब एस्टेब्लिश की गई थी सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी? ये 1939 में एस्टेब्लिश किया गया था इसे, जो ये है इसे अभी क्या है, रीजनल कस्टम लेबोरेटरी रिकॉग्निशन दिया है इस लेबोरेटरी को। तो ये क्या है, जो कस्टम लेबोरेटरीज हैं और ग्रुप हैं, जैसे एक जापान में, एक कोरिया में, तो इनके ग्रुप को ज्वाइन करेगी ये। अब ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है क्या? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है जी, ये 1952 में एस्टेब्लिश हुई थी जी। इसकी स्थापना कब की? 1952 में, एज ए कस्टम कॉपरेशन काउंसिल। जब ये सेटअप की गई थी तो नाम इसका कस्टम कॉपरेशन काउंसिल था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के चेंज कर दिया वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब कि गवर्नमेंट मिलके, सारी गवर्नमेंट ने क्या है मिलके इसे बनाया। किस लिए बनाया? इसका मिशन क्या है? टू इन्हेंस द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। जितना भी मान लो जो ट्रेड होती है जी, ट्रेड व्यापार में फैसिलिटेशन बढ़ाने के लिए, मतलब व्यापार को सुगम बनाने के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, उसके लिए क्या है, कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी लाने के लिए, इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए ये बनाई गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम में है जी, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पे है। बेल्जियम यूरोपियन कंट्री है जी, यूरोप में है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। तो इसके बारे में यही था, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है माँ बम्लेश्वरी देवी टेम्पल अंडर प्रसाद स्कीम। ये टेम्पल को क्या है जी, प्रसाद स्कीम है गवर्नमेंट की एक, उसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। जो ये माँ देवी, ये माँ बम्लेश्वरी देवी टेम्पल है, कहाँ पे लोकेटेड है? इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी, फाउंडेशन स्टोन होता है जी नींव रखना, नींव रखी गई थी कहाँ पे, डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में है जी, छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़। तो इसको डोंगरगढ़ टेम्पल भी बोलते हैं। डोंगर का मतलब होता है जी माउंटेन, गढ़ का मतलब फोर्ट, किला। तो मतलब ये माउंटेन पे बना हुआ है, इसलिए इसका नाम डोंगरगढ़ है जी इस प्लेस का। और टेम्पल का नाम क्या है? माँ बम्लेश्वरी देवी टेम्पल। इसको प्रसाद स्कीम में अभी कर दिया, ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये टेम्पल जी। ये जो प्रसाद स्कीम है, किसने इसे इंक्लूड किया है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ही ये प्रसाद स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। अब ये प्रसाद स्कीम को देखते हैं, ये है क्या। प्रसाद की फुल फॉर्म है जी नेशनल मिशन ऑन पिलग्रीमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। मतलब जो भी तीर्थ स्थान वगैरह हैं जी, जहाँ पे लोग जाते हैं यात्रा करने के लिए, स्पिरिचुअली धार्मिक जो प्लेस हैं,
उनका डेवलपमेंट करना है, उनका विकास करना है इसका। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सारा पैसा इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और इम्प्लीमेंट भी कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इम्प्लीमेंट करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कब लॉन्च की थी? 2014-15 में इसे लॉन्च किया था, प्रसाद स्कीम को, ताकि जो भी जैसे तीर्थ स्थान हैं, पिलग्रिमेज हैं, जहाँ पे लोग यात्रा करने जाते हैं, धार्मिक यात्रा करने जाते हैं, तो उन प्लेस को क्या है, उनमें डेवलपमेंट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए वहाँ पे। इसका ऑब्जेक्टिव यही है जी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज डेस्टिनेशन। जो भी तीर्थ स्थान है जी, मंदिर हो गया, कोई मस्जिद हो गई, या फिर कोई और पिलग्रिमेज यात्रा करते हैं जी, जैसे कोई भी प्लेस हो गया जो स्पिरिचुअल प्लेस है, उसका डेवलपमेंट करना है। इसका क्या करती है उसमें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करता है जी इसमें गवर्नमेंट। जैसे एंट्री पॉइंट होगी जी, रोड डेवलप करना, रेल वे लाइन बनाना, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना, तो मतलब लास्ट माइल कनेक्टिविटी देना एक तरह से, ताकि जो तीर्थ यात्री हैं, जो वहाँ जाना चाहे, उसके लिए अच्छे रोड हो, रेल हो, फैसिलिटी हो, वाटर की फैसिलिटी हो वहाँ पे, एटीएम की फैसिलिटी हो जी, मनी एक्सचेंज की, वहाँ पे लाइटिंग वगैरह अच्छे से हो, रिन्यूएबल सोर्स हो लाइटिंग के लिए, फर्स्ट एड सेंटर हो, फर्स्ट एड मतलब कोई बीमार वगैरह हो जाए तो जी मेडिसिन वगैरह मिल सके। तो इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अब तक 13 प्रोजेक्ट को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, मतलब इंक्लूड तो काफ़ी सारे हैं, 13 जो प्रोजेक्ट हैं, 13 प्रोजेक्ट में ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है प्रसाद स्कीम के अंडर। तो ये याद रखना है, इस स्कीम के अंदर क्या है, क्या होता है। तो यही था इसमें, चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है अपना अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। सीबीआई आप जानते हो ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी क्या है, इसके गवर्नमेंट ने क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके डायरेक्टर को मतलब परमानेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया, इंटरिम डायरेक्टर अपॉइंट किया है। इंटरिम, इंटरिम का मतलब है जी टेम्परेरी बेस पे डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हैं, वो तब तक डायरेक्टर रहेगा तब तक कि परमानेंट डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया जाता। लेकिन इसमें क्या है, एक एक रिट पिटीशन डाल दीजिए, किसने, सुप्रीम कोर्ट में डाल दीजिए एक रिट पिटीशन, किसके किसके लिए, ये कहा है कि जो सेक्शन 4A है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिश एक्ट ऑफ 1946, ये एक्ट है जी, इस एक्ट के थ्रू क्या है, ये सीबीआई अपनी पावर ड्राइव करती है, समझे, मतलब इसके द्वारा सेटअप नहीं हुई थी, लेकिन ये पावर कहाँ से लेती है, अपनी शक्तियाँ कहाँ से मिलती है, इस एक्ट से, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 से। इसके सेक्शन 4A में डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की प्रोविज़न है, मतलब धाराएं ये लिखा है कि डायरेक्टर अपॉइंटमेंट किया जाएगा, लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि इंटरिम डायरेक्टर अपॉइंट करती है, कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटरिम डायरेक्टर नहीं कर सकती, मतलब टेम्परेरी बेसिस पे किसी को डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकती, नियुक्त नहीं कर सकती, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपॉइंट कर दिया, इसलिए पिटीशन डाली है जी सुप्रीम कोर्ट में, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। अब डायरेक्टर क्या होता है जी सीबीआई का, डायरेक्टर ही सर्वोपरि होता है जी इसका, है सीबीआई इज हेडेड बाई डायरेक्टर, मतलब सीबीआई को हेड कौन करता है, डायरेक्टर करता है, सीबीआई का अध्यक्ष यही होता है जी, इसका चेयरमैन जो भी कुछ है यही डायरेक्टर ऑफ सीबीआई की। पहले इसकी जो पोस्ट का नाम था सीबीआई का डायरेक्टर का, उसका नाम था सीबीआई से पहले, सीबीआई बनने से पहले था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, ये पोस्ट थी जी पहले, एक एज ए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरह काम करता था जी ये जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो सीबीआई के ऑर्गेनाइजेशन है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये डायरेक्टर, सारे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका। इसके बाद क्या है जी, एक एक्ट इनेक्टमेंट किया, मतलब बनाया एक एक्ट, कौन सा, सीवीसी एक्ट 2003 में बनाया, सीवीसी का मतलब है जी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट बनाया, जिससे क्या है, जितनी भी जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट की पावर थी, वो सुपरिंटेंडेंट्स की पावर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, इसमें बहुत सारा ट्विस्ट है जी, ये एक्ट बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आई दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के सुपरिंटेंडेंट्स की, और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है 1988, उसके अंदर जितने भी ऑफेंसेज होते हैं, अपराध होते हैं, उनकी इस इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, समझे, इसके थ्रू, सीबीआई के थ्रू। तो इस तरह से क्या है, इन विच सुपरिंटेंडेंस वेस्ट विद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसमें भी क्या है, जब इन केस की जो ऑफेंसेस अपराध हुए हैं इस एक्ट के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, तो जितने भी अपराध की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी ना सीबीआई के द्वारा, तो वो उनमें सुपरिंटेंडेंस कौन करेगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, मतलब क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन उसकी देखभाली निगरानी कर सकता है, ये है इसमें।
तो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई ये जो कितने साल के लिए अपॉइंट होता है, 2 ईयर के लिए टेन्योर होता है, जिसका 2 साल के लिए अपॉइंट करते हैं इसे सीवीसी एक्ट के जरिए। याद रखना ये बहुत सारी एक्ट से क्या है पावर लेता है सीबीआई। डायरेक्टर किस एक्ट के थ्रू अपॉइंट होता है, सीवीसी एक्ट, मतलब सेंट्रल विजिलेंस एक्ट 2003 से, 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए। लेकिन ये पावर कहाँ से ड्राइव करता है अपनी, जो भी फंक्शन करता है, जो भी पावर अथॉरिटी है सीबीआई की, वो जो एक्ट है 1946 का, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो ये एक कोई स्टैचूटरी बॉडी भी नहीं है, ये बात याद रखनी है आपको। नॉन स्टैचूटरी बॉडी है, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, अभी न्यूज़ क्या है वो पढ़ रहे हैं हम बस। अब इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है डायरेक्टर की, ये देखते हैं नियुक्ति कैसे होती है। देखो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इसको अपॉइंट डायरेक्टर को, सीबीआई के डायरेक्टर को, किसके रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 3 मेंबर कमेटी। एक 3 मेंबर की, 3 सदस्य की कमेटी बैठती है जी, समिति बैठती है, हिंदी में समिति बोलते हैं, इंग्लिश में कमेटी, जिसमें कौन कौन होते हैं 3 मेंबर, एक तो प्राइम मिनिस्टर, उस कमेटी के चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, चेयरपर्सन। देखो जी, 3 मेंबर की कमेटी बैठेगी, एक जी प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये इस कमेटी के, ये जो कमेटी बैठी है सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति करने के लिए ये कमेटी बैठी है, जिसमें एक मेंबर है खुद प्राइम मिनिस्टर, जो इसके चेयरपर्सन है इस कमेटी के। दूसरे मेंबर कौन होंगे जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब जो मुख्य न्यायाधीश है जी हमारे कंट्री के, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस वो होंगे, या फिर वो नहीं होंगे तो अपने जगह पे कोई जज नॉमिनेट कर देंगे। मतलब ये मान लो इन्हें कोई काम है, नहीं आ पा रहे हैं, तो अपनी जगह पे कोई सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का ही अपॉइंट कर देंगे कि भाई तू जा और उस कमेटी में पार्टिसिपेट कर, जिसमें सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा, जिसके द्वारा। तीसरे मेंबर होंगे जी लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होंगे ना, जैसे विपक्ष जो भी पार्टी रहती है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे लोकसभा में, ये तीसरा मेंबर रहेगा। तो यही है जी, देखो इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाई हिम। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं आ सकते, तो वो अपनी जगह पे कोई दूसरा जज अपॉइंट करेंगे। तो ये 3 मेंबर होते हैं जी, ये 3 मेंबर रिकमेंड करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है अपॉइंट कर देती है जी सीबीआई डायरेक्टर, जिसको भी ये रिकमेंड करते हैं, जिसकी भी सिफारिश करते हैं बाद में। लेकिन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अमेंडमेंट किया गया 2014 में, इसमें संशोधन किया गया इस एक्ट में, ये 1946 का एक्ट है ना, इसमें 2014 में एक संशोधन किया गया। इसमें क्या गया रखा गया, इसमें रखा गया जो कमेटी की कंपोजिशन है, मतलब जो ये कमेटी बैठी है ना 3 मेंबर की, इसमें अभी क्या है कि लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, ये लिखा है। लेकिन इसने कहा है कि अगर मान लो लीडर ऑफ अपोजिशन हो ही ना पार्लियामेंट में, लोकसभा में, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन हुई नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जी हमारे, क्या है लीडर ऑफ अपोजिशन होने के लिए लोकसभा में कितना चाहिए मेंबर, किसी भी पार्टी को, विपक्ष की जो पार्टी होती है अपोजिशन की, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए 10% मेंबर चाहिए कम से कम लोकसभा के। लोकसभा में अभी मेंबर कितने, 443, 543 मेंबर है जी, याद रखना 545 नहीं है, 445 नहीं है, 545 नहीं है, 543 मेंबर हैं, क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर जो नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट, उसको हटा दिया गया एंग्लो इंडियन को। 104th अमेंडमेंट एक्ट किया गया जी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके थ्रू क्या किया गया, जो SC ST को रिजर्वेशन मिलती थी उसे 10 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया, और एंग्लो इंडियन को जो नॉमिनेट करते थे उनको, इनको हटा दिया गया, क्योंकि एंग्लो इंडियन ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन उनकी है ऑलरेडी। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं जी जैसे जिनका एक फादर या मदर या दोनों पेरेंट्स फॉरेन से हों और उनके बच्चे हों इंडिया में और इंडियन की सिटीजनशिप हो इन सब के पास, तो उन्हें बोलते हैं एंग्लो इंडियन। तो अब जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन की बात हो रही थी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए लोकसभा में कितना मेंबर चाहिए, 10%, और 543 का 10% कितना हो जाएगा, 54.3। तो इसका मतलब 55 मेंबर चाहिए कम से कम लीडर ऑफ अपोजिशन। लेकिन आपको पता है अभी क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए किसी के पार्टी पास भी, किसी पार्टी के पास भी इतने मेंबर नहीं है, 55 मेंबर अपोजिशन के पास। तो इसमें प्रोविजन ये रखा गया, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं भी है लोकसभा में, तो क्या है जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसका मेंबर को लोकसभा में, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है मतलब सबसे बड़ी पार्टी है, जो जैसे मान लो किसी के पास 44 मेंबर हैं सबसे ज़्यादा
रूलिंग पार्टी के अलावा, जैसे बीजेपी अभी रूल में है, उसके पास जितने भी मेंबर है, उसके बाद जो दूसरी पार्टी होगी बड़ी पार्टी, जैसे मान लो उसके पास 44 है या 10 मेंबर भी हैं लार्जेस्ट, तो उसको क्या है इस कमेटी का मेंबर बना दिया जाएगा। ये इस पर अपॉइंटमेंट में के लिए किया गया, इस कमेटी में अमेंडमेंट किया गया। अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं जी एक बार। ये 1963 में बनाई गई जी। किसने बनाया इसे? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाया इसे एक रिजोल्यूशन ला के, मतलब ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, याद रखना। रिजोल्यूशन का क्या मतलब है जी? मिनिस्ट्री, जो गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर, ये पेपर है जी, कागज़ पे लिख दिया कि सीबीआई का अपॉइंटमेंट होगा, ये रिजोल्यूशन हो गया जी। और इसे मतलब कैबिनेट या कोई मंत्री निकाल सकते हैं जी, इसी को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दी इसके थ्रू। मतलब मान लो कोई पार्लियामेंट के थ्रू बनाना पड़ता है ना, एक्ट के थ्रू बनाना पड़ता है, तो मान लो कोई एक्ट बनाए, कानून बनाए, तो पार्लियामेंट में पास कराना पड़ेगा उसे, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, या पहले राज्यसभा या लोकसभा में, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तब जाके एक्ट बनेगा, कानून बनेगा। और जो इस एक्ट के थ्रू बॉडी बनेगी उसे बोलते हैं स्टैचुटरी बॉडी, मतलब सांविधिक संस्था, स्टैचुटरी बॉडी। लेकिन इसे क्या है बोलते हैं, सिर्फ एग्जीक्यूटिव क्या है, रिजोल्यूशन पास कर देगा और ये हो गया एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। जैसे नीति आयोग को बनाया गया है जी, ऐसी इसे होम मिनिस्टर ने बनाया। लेकिन अभी ये याद रखना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन। पर्सोनल का मतलब होता है जी कर्मचारी, पब्लिक आप जानते हो ग्रीवेंस समस्या, और पेंशन आप जानते हो। तो इस ये मंत्रालय है जी, इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, इसके अंदर ये सीबीआई काम करता है, सीबीआई इसके अंडर काम करता है, ये याद रखना आपको। बनाया किसने था? होम मिनिस्ट्री ने। काम करता है इस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, किसने रिकमेंड किया कि सीबीआई को बनाना चाहिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, एक संथानम कमेटी बैठी थी जी 1962 से 1964 में। इस कमेटी ने, एक कमेटी का मतलब है जी कोई ग्रुप ऑफ मेंबर बैठे जी, उसको हेड किया संथानम ने, इसी के नाम पर रख दिया जी संथानम कमेटी। ये कमेटी किस लिए बैठाई थी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, कि भ्रष्टाचार को कैसे अपनी कंट्री में रोका जा सके, इसलिए ये कमेटी बैठाई थी। तो इसने बोला कि भाई साहब एक सीबीआई अपॉइंट कर दो, आप सीबीआई की पोस्ट बना दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई बना दी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो याद रखना किसकी रिकमेंडेशन पर बनाया, किसकी सिफारिश पर, संथानम कमेटी की पे। तो ये सीबीआई नॉन स्टेचुटरी बॉडी है, नॉट ए स्टेचुटरी बॉडी, मतलब ये अपनी पावर तो ड्राइव करती है कौन से एक्ट से, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, इस एक्ट से ड्राइव करती है। ड्राइव का मतलब है जी अपनी पावर लेती है ये इस एक्ट से, लेकिन इस एक्ट के जरिए बनाई नहीं गई, बनाई थी होम मिनिस्ट्री ने रिजोल्यूशन पास करके। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, नॉन स्टेचुटरी बॉडी है जी, असंवैधानिक संस्था है, ये याद रखना आपको। जो ये सीबीआई क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का मतलब है जो मेन, जो मुख्य जांच एजेंसी है, जो जांच करती है करप्शन के बारे में, मान लो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो, आर्थिक अपराध हो, किसी के भी बारे में भी ये कर सकती है। मान लो इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, रिवेन्यू से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड कोई ऑफेंस है, मान लो कर से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड कोई अपराध किया है, किसी ने भरा नहीं है, अगर डिपार्टमेंट, टैक्स का डिपार्टमेंट सीबीआई को रिक्वेस्ट करे कि आप जाँच करिए, तो सीबीआई जाँच कर सकती है इसके रिलेटेड केस भी, करप्शन से रिलेटेड, किसी से रिलेटेड ये जांच कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है, जांच का मतलब। तो इस तरह से क्या है, ये असिस्टेंस प्रोवाइड करती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल को। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है जी, ये भी किस लिए, ये नॉन स्टेचुटरी बॉडी है जी, सॉरी ये तो स्टेचुटरी बॉडी है जी, एक्ट के थ्रू बनाई गई थी, सीवीसी एक्ट के थ्रू, मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन स्टेचुटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था, एक्ट के थ्रू बनाई गई। सीवीसी एक्ट पास किया था ना 2003 में, 2003 में, उसी के थ्रू। और लोकपाल भी एक स्टेचुटरी बॉडी है जी, एक्ट के थ्रू बनाई गई। तो ये सीबीआई है ना, इन दोनों की हेल्प करता है, सहायता करता है, असिस्टेंस का मतलब सहायता देता है सीवीसी को और लोकपाल को, किस लिए कि जाँच करवाता है इनके साथ मिलकर, करप्शन के अगेंस्ट, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जाँच में सहायता देता है। इट इज़ ऑल्सो ए नोडल पुलिस एजेंसी इन इंडिया विच कंट्रीब्यूट इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज। देखो जी, जो इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसको रिप्रेजेंट इंडिया में कौन करता है? सीबीआई करता है जी। अगर मान लो इंटरपोल किसी को बोलेगा तो सीबीआई जांच करेगी कि किसी केस को इंडिया में। तो इंटरपोल का मतलब क्या है जी, इंटरनेशनली क्राइम को कैसे रोका जाए, ये डायरेक्शन देती है जी कुछ। इंटरपोल के बारे में भी देखेंगे हम थोड़ा। अब वे फॉरवर्ड में क्या जी, जो क्या है अभी सीबीआई का डायरेक्टर, इंटरिम डायरेक्टर अपॉइंट किया है, लेकिन सीबीआई के लिए, इंटरिम डायरेक्टर के लिए कोई भी ऐसी प्रोविजन नहीं दी गई इस एक्ट में, जो 1946 का एक्ट है, कि इंटरिम डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सके, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने
डायरेक्शन दिया है बहुत सारे केसों में, कहा है कि इस बॉडी को जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है इसको जो एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल पावर के इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए, मतलब ये इंडिपेंडेंट हो, सीबीआई ऑटोनॉमी हो, इससे बचाने के लिए इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, तो इसलिए पॉलिटिकल का इंटरफेयर ना होना चाहिए और एक ये इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी इसकी मेंटेन रखनी चाहिए। तो इस इट मस्ट मेक श्योर दैट देर इज़ ए मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सीबीआई डायरेक्टर कंप्लीटेड 1 और 2 मंथ्स इन एडवांस। मतलब कि जब भी मान लो सीबीआई के डायरेक्टर की रिटायरमेंट आ रही है, उससे 1 या 2 महीने पहले ही उसको अपॉइंट कर देना चाहिए, ताकि जब भी जैसे रिटायरमेंट हो उसके तुरंत बाद सीबीआई के डायरेक्टर, नए न्यू सीबीआई डायरेक्टर अपना ऑफिस संभाल लें। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी थी। अब इंटरपोल क्या है जी? इंटरपोल क्या है जी? इंटरनेशनल क्राइम क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जी ये, कॉमनली इसे कहते हैं इंटरपोल। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, वर्ल्ड वाइड पुलिस को कॉपरेशन करती है जी, जैसे नेशन की पुलिस को कॉपरेशन करती है क्राइम कंट्रोल करने के लिए, कि मान लो कोई अपराधी एक देश से जाके दूसरे देश में बस गया, और उस फिर इंटरपोल क्या करती है जी, सहायता करती है उस कंट्री की पुलिस को कि ढूंढने में चलो हम आपका साथ देते हैं और जो क्राइम अपराध है उसको कंट्रोल करने में आपकी सहायता करते हैं। ये काम है जी इसका। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे जी? फ्रांस में लियोन, एक जगह का नाम है जी फ्रांस में लियोन में। इसको जब बनाया था जी 1923 में बनाया गया था, 7 सितंबर 1923 में, और इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। और इसे बनाया किसने था 1923 में? जोनस स्कोबर ने बनाया था जी इसे। लेकिन अब इसमें बहुत सारी कंट्रीज, लगभग 186 कंट्रीज इसके मेंबर हैं जी, और इसमें कॉपरेट करती हैं जी इसके साथ। तो यही था, इसमें चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फूड प्राइस इंडेक्स। ये अभी फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज किया किसने? फाओ ने। फाओ क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है जी। ये क्या है? मंथली जो चेंज होता है फूड प्राइस में उसको मेजर करती है, मतलब पिछले महीने में जो फूड का जो प्राइस था कितना था और अब कितना है। तो इसमें कुछ कॉमोडिटी होती है जी, बास्केट ऑफ फूड कॉमोडिटी, जिसके बेस पे प्राइस पता करती है कि किस कब प्राइस क्या था। जो ये फूड प्राइस जो इसने कहा है, अभी जो फूड प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया है, जो मतलब खाद्य पदार्थों का मूल्य है वो इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया है। किसकी वजह से? क्योंकि शुगर और वेजिटेबल ऑयल की प्राइस में बढ़ोतरी हो गई है, जंप का मतलब बढ़ोतरी हो गई जी। शुगर, चीनी और वनस्पति तेल है, उनके प्राइस में इंक्रीज़ हो गया उनका प्राइस। इसकी वजह से जो फूड प्राइस इंडेक्स है पिछले महीने से इंक्रीज़ हो गई है, चेंज हो गया है। अब इसमें कुछ कॉमोडिटी होती है जी, जैसे कुछ सीरियल्स, कम सीरियल के बेस पे इसका प्राइस निकालते हैं। सीरियल का मतलब होता है जी मोटे अनाज, जैसे गेहूं, जौ, बाजरा वगैरह, या डेयरी प्रोडक्ट, ऑयल सीड, मीट, शुगर, इनके बेस पे जी ये निकालता है कि पिछले महीने में प्राइस क्या था इनका और अब क्या हो गया प्राइस। इसके बेस पे फूड प्राइस इंडेक्स को निकाला जाता है, फाओ निकालता है। इसने कहा है इंडेक्स की जो एवरेज है 116 पॉइंट तक बढ़ गई है फरवरी 2021 में, जो कि जनवरी में कितनी थी? 113.3 पॉइंट थी। अब ये फाओ क्या है जी, देख लेते हैं एक बार इसे भी। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जी ये, यूएन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, याद रखना। यूएन के 6 ऑर्गन हैं, 6 अंग हैं, और बहुत सारी स्पेशलाइज एजेंसी है। तो ये भी एक स्पेशलाइज एजेंसी है। ये क्या करती है? इसका काम क्या है जी? फाओ का काम है टू डिफीट हंगर वर्ल्ड वाइड, मतलब भुखमरी। हंगर का मतलब है जी भुखमरी को एलिमिनेट करना है जी, भुखमरी को वर्ल्ड वाइड मिटाना इसका काम है। इम्प्रूव न्यूट्रिशन, मतलब मनुष्य को उसके खाने में पोषक तत्व मिल सकें, उसे बढ़ोतरी करना है, इम्प्रूव करना है। फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना है, मतलब सबको खाना मिल सके ये सुरक्षा देना इसका काम है। इसका मोटो क्या है जी? इसका मोटो है जी फियट पानिस। इसका क्या मतलब है? लेट देयर बी ब्रेड। ये एक लैटिन वर्ड है जी, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है ये फियट पानिस। इसका मतलब लेट देयर बी ब्रेड, सबको रोटी उपलब्ध होने दो। इसको फाउंड कब किया करता है? इसकी स्थापना की गई थी जी, फाउंडेड इन अक्टूबर 1945, 1945 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है जी, इटली की राजधानी आपको पता होगा जी, इटली की कैपिटल है रोम, वहाँ पे हेडक्वार्टर है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा रेड राइस। रेड राइस अभी न्यूज़ में है जी एक्सपोर्ट की वजह से, इसका एक्सपोर्ट किया गया जी। ये जी रेड राइस आप देख रहे हो, ये फेमस है जी असम में, मेनली असम के लोग खाते हैं जी रेड राइस। अब इसके बारे में पढ़ते हैं जी। रेड राइस क्या है जी? रेड राइस इज़ रिच इन आयरन, इसमें आयरन बहुत मात्रा में होता है। इज़ ग्रोन इन ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम, असम की जो ब्रह्मपुत्र वैली है उसमें इसे उगाया जाता है। इट इज़ ग्रोन विदाउट यूजिंग एनी केमिकल फर्टिलाइजर, कोई भी केमिकल खाद
उपयोग नहीं किया जा सकता है इसे उगाने में। जैसे यूरिया डीएपी डालते हैं ना कृषि करने के लिए, कुछ भी नहीं डाला जाता, बिना केमिकल फर्टिलाइजर के इसे ग्राउंड किया जाता है, उगाया जाता है। दिस वेराइटी ऑफ राइस इज कॉल्ड एज ए बाओ धान, जो ये राइस है इसको बाओ धान बोलते हैं असम में, बाओ धान, विच इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ फूड्स इन असम। असम के जो खाने में जी इंटीग्रल पार्ट है, मतलब असम के लोग बहुत खाते हैं इसे। राइस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इसलिए न्यूज़ में है जी क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने कहा है जो नॉन बासमती राइस है उसकी एक्सपोर्ट बढ़ाए इंडिया से। कितना बढ़ाए देखो जी, 2020 से 2021 में 26,058 करोड़, 26,058 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है जी नॉन बासमती राइस। नॉन बासमती का मतलब जो बासमती नहीं है, बासमती राइस का तो किया है जी, जो नॉन बासमती में जैसे और बाकी चावल आ गए जी, ये राइस आ गए जो जैसे रेड राइस है, ब्लैक राइस है, सारे नॉन बासमती राइस हैं, इनका एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। जो 2019-20 में कितना था, 11,543 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था, और ये अब डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया जी नॉन बासमती राइस। अब जी इनके प्रमोशन कौन करती है जी, इसका एक्सपोर्ट में प्रमोशन करता है जी अपेडा। अपेडा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे जी। ये क्या है, सेवरल स्टेक होल्डर के साथ मिलके एक्सपोर्ट का प्रमोशन करती है अपेडा। गवर्नमेंट ने एक और प्रमोशन, एक ग्रुप बनाया जी, राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, ये अपेडा के अंदर ही बनाया जी। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, अपेडा। तो ये भी क्या है, राइस को एक्सपोर्ट करने में प्रमोशन करती है जी राइस का। ये अभी अपेडा क्या है जी, ये देखते हैं। अपेडा क्या है, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म है। ये अपेक्स एक्सपोर्ट ट्रेड प्रमोशन एक्टिव गवर्नमेंट बॉडी है जी। मतलब जितने भी एग्रीकल्चरल सामान हो गया या और कॉमोडिटी हो गई, उसका एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट कैसे हो सके, उसको प्रमोट करती है अपेडा। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। इसे इसके लिए एक अपेडा एक्ट पास किया गया जी। अपेडा एक्ट किस, कब, 1985 में एक एक्ट पास किया गया, और इस ऑर्गेनाइजेशन को, अपेडा को, इस एक्ट के थ्रू बनाया गया 1986 में। तो ये एक स्टैचुटरी बॉडी है जी, ये याद रखना है, सांविधिक संस्था है जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए काम करती है। अब ये राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम क्या है जी, इसे भी गवर्नमेंट ने बनाया था ताकि राइस के एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ये फोरम कोलैबोरेटिव स्टेप लेता है, कोलैबोरेटिव का मतलब है जी बहुत सारे जो इसमें एक्सपर्ट वगैरह होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं इसमें, राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम में कौन कौन होते हैं जी इसमें, देखो जी इसमें कुछ एक्सपोर्टर होते हैं जी, जो मान लो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो एक्सपोर्टर्स होते हैं जी इस फोरम में, मतलब मेंबर होते हैं जी इसके। ऑफिशियल होते हैं जी अपेडा से, राइस इंडस्ट्रीज से होते हैं जी, जो उद्योग चावल का उद्योग करते हैं जी, उद्योगपति होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से भी होते हैं, कुछ एग्रीकल्चर से होते हैं जी डायरेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, जैसे उत्तर प्रदेश से डायरेक्टर हो गए जी एग्रीकल्चर के, पंजाब से, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इतने सारे मतलब इसमें मेंबर होते हैं जी। कितने होते हैं नहीं होते ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना है इसमें एक्सपर्ट होते हैं जी बहुत सारे, जो एक्सपोर्ट को, निर्यात को इंडिया से प्रमोट करते हैं। बस इतना ही था इसमें, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट साइंस एंड टेक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, अभी न्यूज़ में था, स्पेस हरिकेन या हुरिकेन भी बोलते हैं जी इसे। ये क्या है, स्पेस हुरिकेन या हरिकेन, ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि साइंटिस्ट ने, मतलब जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने पहली बार इसे डिस्कवर किया स्पेस हुरिकेन को, कहाँ पे, नॉर्थ पोल में, अपर एटमॉस्फेयर में। देखो जी अब तक इसे स्पेस हरिकेन होता था लेकिन लोअर एटमॉस्फेयर में होता था। आपको पता होगा एटमॉस्फेयर है जो जो हमारा वातावरण है जी एटमॉस्फेयर, उसकी चार लेयर होती हैं। पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, और दूसरी होती है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी होती है जी मीजोस्फेयर, मतलब ये लगभग 15 से 18 किलोमीटर तक होती है, फिर ये 50 किलोमीटर तक होती है, फिर ये 90 किलोमीटर तक होती है जी, ये 50 से 90, 50 से 90, और फिर ये 640 तक होती है जी एग्जोस्फेयर, एग्जोस्फेयर, एग्जोस्फेयर में ही पार्ट होता है जी आयनोस्फेयर भी बोलते हैं इसे, एग्जोस्फेयर का ही पार्ट होता है आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर। तो ये यहाँ पे अपर एटमॉस्फेयर में स्पेस हरिकेन बनाए, अब तक ये लोअर एटमॉस्फेयर में बनता था जी, लेकिन पहली बार साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया है, खोज की है कि अपर एटमॉस्फेयर में भी बना रहा है, और नॉर्थ पोल पे देखा गया। नॉर्थ पोल तो आप जानते होंगे ना, ये अर्थ है जी, अर्थ का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव पे बना जी।
इसे 8 आवर्स तक देखा गया, मतलब 8 घंटे तक ये बना, 8 घंटे तक, 8 आवर्स। अब इसके बारे में पढ़ते हैं जी, स्पेस हुरिकेन है क्या? स्पेस हरिकेन है जी स्वर्लिंग मास ऑफ प्लाज्मा। देखो जी, ये प्लाज्मा का एक घूमता हुआ मास है, मास का मतलब भार, स्वर्लिंग का मतलब स्पिनिंग, स्पिनिंग मतलब घूमता हुआ। अब ये प्लाज्मा क्या होता है जी, जैसा आपका पता होगा जी, मैटर की 5 फॉर्म होती है जी, मेजर मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो, एनी बडी विच, मतलब एनी थिंग्स विच हैव मास, जिसके पास भार हो, एंड विच कैन बी सेंस थ्रू टच, मतलब जिसे टच करके देखा जा सकता हो। जैसे आपके पास, आपके हाथ में पेन है, ये मैटर है, बिल्कुल जी मैटर है, इसके पास मास भी है, कुछ भार भी है, और इसको टच करके भी देखा जा सकता है। आप टच तो कर रहे हो इसे पेन को। जैसे चेयर भी एक मैटर है जी, आप खुद एक मैटर हो, इंसान भी एक मैटर है, क्योंकि भार है उसमें, वजन होता है, मतलब भार भार होता है उसके पास भी। जैसे कोई कितने किलोग्राम, 60 किलोग्राम के होंगे, या 50 के, या 40 किलोग्राम के, आप हो सकता है 10 किलोग्राम के भी हों। लेकिन अब मैटर समझ में आ गया, इसकी मेजर 5 फॉर्म होती है जी मैटर की। जैसे कैसे हो सकता है? सॉलिड में हो सकता है जी, सॉलिड, जैसे पेन सॉलिड है जी, लोहा हो सकता है, आयरन सॉलिड, ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है जी, पानी भी एक मैटर है, वाटर, या फिर जूस एक मैटर है, गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है जी, गैस के पास भी मास है जी, और टच करके देखा जा सकता है। फोर्थ फेस होती है जी प्लाज्मा, प्लाज्मा भी एक फॉर्म होती है जी। ये चार जी नेचुरल फॉर्म होती हैं, नेचुरल फॉर्म मैटर की। लेकिन पांचवी है जी एक मैन मेड, वो कौन सी है? वो है जी बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडनसेट, कंडनसेट, ये 5 फॉर्म है जी। अब इनमें से प्लाज्मा का मास है जी, प्लाज्मा घूम रहा है, अपर एटमॉस्फेयर पे घूम रहा है जी, और इसमें से दैट रेन्स इलेक्ट्रॉन्स इनटू द आयनोस्फेयर इंस्टेड ऑफ वाटर, ये जी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इससे, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इससे निकल रहे हैं, बारिश करता रहता है उनकी, इससे कोई वाटर वगैरह नहीं निकलता। जैसे हुरिकेन का क्या मतलब है जी? हुरिकेन आपने पढ़ा होता है, साइक्लोन का ही नाम है जी, हुरिकेन साइक्लोन का जैसे ही होता है। साइक्लोन हमने स्पेशल लेक्चर लिया था, पढ़ा था, क्या होता है? एयर मॉइस्चर के साथ सर्कुलेट करती रहती है, ओशन से उठती है और सर्कुलेट करती रहती है जी, और सर्कुलेट करके ये ऊपर क्लाउड बना लेती है, बादल, और फिर बारिश करती है। लेकिन इस ये क्या है, किसी मॉइस्चर का नहीं है जी, बल्कि इससे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जी, इसी को बोलते हैं स्पेस हुरिकेन। अगर एक वर्ड में, सिंगल लाइन में पूछा जाए स्पेस हुरिकेन क्या है, तो आप कहोगे स्वर्लिंग मास ऑफ प्लाज्मा दैट रेन्स इलेक्ट्रॉन्स इनटू द आयनोस्फेयर, मतलब आयनोस्फेयर में, अपर एटमोसफेयर में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ऐसा प्लाज्मा का मास है जो घूम रहा है स्पेस में। अब ये देखो जी, आप पहले इसे देख लो, ये जी प्लाज्मा का मास जो घूम रहा है, ये है स्पेस हॉरिकॉन, ये ऊपर अर्थ से ऊपर बन रहा है जी, एग्जोस्फेयर में, जिसका पार्ट है आयनोस्फेयर है, जो आयनोस्फेयर में ये ऐसा मास घूम रहा है जी, ये ग्रीन कलर का भी है जी थोड़ा। दी हुरिकेन रिजल्ट इन टू द स्टनिंग इफेक्ट दैट ए ह्यूज एंड साइक्लोन शेप्ड ग्लोइंग ग्रीन ऑरोरा, मतलब इसके नीचे जी ग्रीन ऑरोरा बन रहा है, ग्रीन कलर की लाइट ऑब्जर्व की है साइंटिस्ट ने। तो ये हुरिकेन है, ऐसा नहीं है सिर्फ अर्थ पे ही बनता है, ये मार्स, सैटर्न और जुपिटर, दूसरे ग्रह पे भी बनता है, वहाँ पे भी साइंटिस्ट ने इसे देखा है, एस्ट्रोनॉमर है जो, उन्होंने देखा है मंगल ग्रह पे भी, शनि पे, और बृहस्पति ग्रह पे भी। अब इसके बारे में कुछ की फैक्ट देखते हैं जी। ये हुरिकेन है जी, नॉर्मली क्या होता है, यूजुअली लोअर एटमोसफेयर में होते हैं जी अर्थ के, लेकिन पहली बार ये अपर एटमोसफेयर में ऑब्जर्व किया है। ये जो स्पेस हुरिकेन है, पहले ये 2014 में देखा गया था जी, इसको चाइना के, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना के कुछ साइंटिस्ट ने देखा था, फाइंडिंग की थी, जिस अभी इसकी जो क्या है, पब्लिश किया है इसके बारे में, नेचर कम्युनिकेशन एक जनरल है जी उसमें। अब इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं जी, जो साइंटिस्ट यूएसए, नॉर्वे, चाइना और यूनाइटेड किंगडम से साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया है, किससे ऑब्जर्व किया है इसको, डिफेंस मेट्रोलॉजिकल सेटेलाइट प्रोग्राम के अंदर ऑब्जर्व किया है, एक सेटेलाइट है जी, उससे ऑब्जर्व किया है। एंड 3D मैग्नेटोस्फेयर मॉडलिंग, 3D मैग्नेटोस्फेयर मॉडलिंग से, इन दोनों से मिलकर, सेटेलाइट और 3D मैग्नेटोस्फेयर मॉडलिंग से मिलकर इसे ऑब्जर्व किया है, मतलब पता लगाया है इसका कि जो नॉर्थ पोल पे स्पेस हरिकॉन, जो स्पेस हरिकॉन हो रहा है ना उसको, तो इस तरह से इसका दिखा, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग कर रहा है, स्पिनिंग का मतलब घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। देखो जी, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत डायरेक्शन, घड़ी ऐसे घूमती है ना, देखा होगा आपने, घड़ी की तरफ देख लो अगर आपके हाथ में, दीवार पे कहीं पे भी, और घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे घूम रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज, समझे, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है जी ऐसे। अब ये इसका जो
डायमीटर है, डायमीटर है जी 1000 किलोमीटर के लगभग, 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। डायमीटर तो आप जानते हो ना, जैसे ये जी सर्कल कोई, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है पूरा डायमीटर, और हाफ रेडियस हो जाती है, ये तो पता ही होगा, हाफ त्रिज्या हो जाती है और पूरा डायमीटर हो जाता है। तो इसका 1000 किलोमीटर डायमीटर है, और इसकी जो हाइट है एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, 110 किलोमीटर से लेके 860 किलोमीटर तक होती है। ये देखो जी, जो इसकी हाइट है ये ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो ये हाइट अगर यहाँ से यहाँ तक निकालें इसकी हाइट, तो ये हाइट है जो इसकी एल्टीट्यूड है 110 से लेके 860 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। और इसकी स्पीड कितनी है जी, कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है, 2100 मीटर पर सेकेंड, लगभग जी ये 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रोटेट कर रहा है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है जी, जो स्टडी की है ये हमारे लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस, क्या क्या इससे पता लगा सकते हैं। अगर स्पेस हरिकेन का हमने पता लगा लिया, इससे जी पता लग सकता है स्पेस वेदर इफेक्ट का, जैसे डिस्टरबेंस इन हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन, जो रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं ना जी, उसमें जो डिस्टरबेंस होती है उसका पता लगाया जा सकता है। सेटेलाइट ड्रैग का पता लगाया जा सकता है, सेटेलाइट नेविगेशन में काम आ सकता है, एरर्स इन ओवर द होराइजन रेडार लोकेशन में, मतलब रेडार की लोकेशन, जो रेडार लोकेलेशन करता है उसमें जो इरर आती हैं, ये इसके थ्रू भी आ सकते हैं क्या, जैसे सिग्नल भेजते हैं जी, जो आयनोस्फेयर में जाके वो टकरा के आता है ना सेटेलाइट के, सेटेलाइट से टकरा के वापस अर्थ पे आता है ना, अर्थ स्टेशन पे, तो बीच में अगर मान लो ये स्पेस हरिकेन आ गया तो सिग्नल डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा डिस्टर्ब, तो इससे पता लगा जा सकता है जी कम्युनिकेशन सिस्टम में कैसे काम करता है। तो आज के जो टॉपिक थे इतने ही थे जी, अब क्वेश्चन करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रसाद स्कीम, जो प्रसाद स्कीम है जी आज ही पढ़ी है हमने, ये योजना है, इसके टारगेट बना बताने जी, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य, लक्ष्य, टारगेट। आपके ऑप्शन है जी, फर्स्ट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाई रूरल स्कूल्स, मतलब कोई ग्रामीण क्षेत्र में अगर स्कूल बने हों उनको आइडेंटिफाई करके उनका डेवलपमेंट करना है, विकास करना है क्या। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड नेशनल हाईवेज, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवेज हैं, उनको डेवलपमेंट करना है क्या इसका काम। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज डेस्टिनेशन, जो तीर्थ स्थान वगैरह हैं, स्पिरिचुअल साइट है, हेरिटेज डेस्टिनेशन है, उनका डेवलपमेंट करना है क्या इसका काम। या फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन को डेवलप करना है क्या इसका काम। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, सी आंसर सही है जी, आज ही पढ़ा है पिलग्रिमेज और हेरिटेज डेस्टिनेशन, क्योंकि एक टेम्पल अभी इंक्लूड किया है ना इसने। चलते जी नेक्स्ट पे, नाग रिवर वॉज इन न्यूज, नाग रिवर के बारे में कल पढ़ा था जी हमने, ये बताना है कहाँ पे फ्लो करती है ये, नागपुर, नागालैंड, उत्तराखंड, बिहार। जी हाँ करेक्ट, बिल्कुल नागपुर, नागपुर का नाम भी नागपुर नाग रिवर के नाम पे ही रखा गया है जी, नागपुर से फ्लो करती है जी। नेक्स्ट जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिमालयन सैरो, हिमालयन सैरो के बारे में हमने एक स्पेशल लेक्चर में पढ़ा था जी, और इसे पढ़ा था जी करंट अफेयर में भी, तो बताना है इसको कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जी, ये बताना है। इट्स आयुसैन स्टेटस इज वल्नरेबल, जो आयुसैन का जो स्टेटस है उसमें ये वल्नरेबल है क्या। आयुसैन आप जानते हो ना, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये क्या है, वर्ल्ड वाइड जो स्पीसीज हैं प्लांट एंड एनिमल्स उनको कंजर्व करने के लिए काम करती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जी, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये। तो इसकी जो स्टेटस है रेड लिस्ट है उसमें वल्नरेबल कैटेगरी में आता है क्या है? दूसरा बोल रहा है इट इज़ लिस्टेड इन साइट्स अपेंडिक्स वन, जो साइट्स है जी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एंडेंजर्ड स्पीसीज को, फोना और फ्लोरा को बचाने के लिए काम करती है, ये भी हमने आयुसीएन साइट्स और सीएमएस तीनों के बारे में एक लेक्चर बनाया हुआ है जी, 2-3 मिनट का लेक्चर है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया हुआ है जी, देख सकते हो, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, करंट विद जीएस पे क्लिक करोगे वहाँ पे प्लेलिस्ट आएगी, वहाँ पे इन्वायरमेंट आएगा, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना 6 मार्च 2021, यहाँ पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहाँ पे दिया हुआ है लिंक, वहाँ पे देख सकते हो। अब आपको बताना जी कौन सा करेक्ट है जी इन दोनों में, दोनों करेक्ट हैं जी, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पन सभ्यता है जी उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है द पॉटरी, पॉटरी का मतलब हो जी होता है बर्तन, पॉटरी ऑफ द हड़प्पन कल्चर कंसिस्टेड ऑफ मेनली व्हील मेड वेयर टर्न्ड इन वेरियस शेप्स साइज बट विदाउट एनी कलर, जो हड़प्पन जो कल्चर थी जी उसमें जो बर्तन बनाए जाते थे, पॉटरी बनाई जाती थी, वो व्हील से बनाए जाते थे, पहिए से, आपने देखा होगा ना कुम्हार जो कम्युनिटी होती है जी, वो जो बर्तन बनाती है एक चक्कर होता है जी पहिया, उससे बनाते हैं ना बर्तन वगैरह, तो ये भी क्या व्हील से बनाते थे, और टर्न्ड इन वेरियस शेप मतलब उन्हें तरह तरह की जो शेप देते थे, आकृति देते थे अपने बर्तनों को, साइज़ भी इनका डिफरेंट डिफरेंट होता था, लेकिन इनमें कोई कलर नहीं होता था, विदाउट कलर होते थे, ऐसा था क्या, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या।
सेकंड बोल रही है, दे यूज्ड वेरियस मोर्टार्स एंड सीमेंट्स मेड ऑफ लाइमस्टोन जिप्सम एंड मिका। जो ये क्या है, बर्तन बनाने के लिए बहुत सारे मोर्टार सीमेंट्स वगैरह यूज करते थे जो लाइमस्टोन जिप्सम और माइका से मिलके बना हुआ था। आपको बताना जी करेक्ट स्टेटमेंट, वन टू या दोनों है, दोनों गलत हैं। देखो जी पहले स्टेटमेंट में ये जो लास्ट की स्टेटमेंट है ये गलत है बस, बट विदाउट एनी कलर, ये कह रहा विदाउट एनी कलर मतलब कोई कलर यूज नहीं करते थे, बिल्कुल गलत बात है जी, वो कलर यूज करते थे। तो इसकी वजह से सारी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बाकी की जो है ना बाकी सही है, लेकिन इसकी वजह से सारी स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड बिल्कुल सही है जी, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियाज पब्लिक डेट टू जीडीपी। इंडिया का गवर्नमेंट का जो पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशो है, मतलब डेट कर्ज है जी जो इंडिया का, बटे में जीडीपी कर दें, ये रेशो आ गया जी, मतलब कर्ज का जो रेशो है जी जीडीपी के कितना है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है आपको। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इंडियाज ओवरऑल डेट लेवल एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज़ द लोएस्ट अमंग द ब्रिक्स नेशन। ये कह रहा है जो इंडिया का डेट टू पब्लिक रेशो है वो ब्रिक्स नेशन में सबसे कम है। ब्रिक्स नेशन आप जानते हो ना, ब्रिक्स एक ग्रुप है जी, किस पांच कंट्रियों का, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ये ट्रेड मतलब पांचों कंट्री आपस में ट्रेड को फैसिलिट कर सकें, व्यापार बढ़ा सकें, और भी बहुत सारे मुद्दों पर काम करते हैं ये, टेररिज्म को रोकने के लिए, नाम नाम के लिए करते हैं जी टेररिज्म वगैरह, तो होता कुछ नहीं है, चर्चा तो हो जाती है, ट्रेड वगैरह को फैसिलिट करने के लिए काम करता है ब्रिक्स। तो ये बताना है ब्रिक्स नेशन में सबसे कम पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशो जो इंडिया का है क्या। सेकंड है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट गलत बतानी है, गलत स्टेटमेंट जो भी गलत है गलत बतानी है। इंडियाज पब्लिक डेट एंड ओवरऑल डेट लेवल हैज़ डिक्लाइंड सिंस 2003, 2003 से अब तक जो इंडिया का पब्लिक डेट है और ओवरऑल डेट जो जितना भी कर्ज है इंडिया का जो घट रहा है क्या, घटा है 2003 से अब तक देखें हम 2021 में, तो 2003 से कंपेयर करें तो इंडिया का जो पब्लिक डेट घटा है क्या, ये बताना आपको। इनकरेक्ट बताना जी कौन सा है इनकरेक्ट, वन पहला गलत है, दूसरा गलत है, दोनों गलत हैं, या दोनों गलत नहीं है, दोनों सही हैं जी, बिल्कुल हाँ डी सही आंसर है, दोनों गलत नहीं है, दोनों सही स्टेटमेंट दिए हमसे पूछे इनकरेक्ट, तो डी आंसर सही हो जाएगा जी हमारा, दोनों बिल्कुल सही हैं, करेक्ट हैं, तो डी नाइदर वन नाइदर टू इनकरेक्ट। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं आपको, करेक्ट बताना है किसके रिगार्डिंग दी हुई है जी स्टेटमेंट, सेंटर के डेट के रिगार्डिंग ही दी हुई है। इसमें कहा है इन इंडिया ऑफ द टोटल पब्लिक डेट मोर देन 50% इज हेल्ड बाई सेंटर। जितना भी जो गवर्नमेंट का कर्ज है उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट ही 50% से ज़्यादा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कर्ज है। सेकंड बोल रही है, एट प्रेजेंट द गवर्नमेंट्स डेट पोर्टफोलियो इज करेक्टराइज बाई वेरी हाई फॉरन एक्सचेंज रिस्क। जो गवर्नमेंट का डेट है जी कर्ज है वो जो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू है जी वो वेरी हाई रिस्क पे, उसका जो हाई फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है जी। नेक्स्ट बोल रहा है फ्लोटिंग रेट डेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ लेस देन 5% ऑफ पब्लिक डेट। ये फ्लोटिंग रेट डेट का मतलब ये मान लो जी शॉर्ट टर्म डेट होता है उसी को बोलते हैं ये मान लो, मतलब छोटी अवधि के लिए जो लोन लिया जाता है, एक साल से कम जो अवधि के लिए लोन लेते हैं डेट। तो ये कह रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्लोटिंग रेट डेट है वो 5% से कम है क्या, पब्लिक डेट जितना भी है उससे 5% से कम है क्या, आपको करेक्ट बताना है जी स्टेटमेंट, वन ओनली, वन टू, वन थ्री, या ऑल ऑफ द अबव। देखो जी दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो रिस्क है वो हाई नहीं है जी, हाई रिस्क नहीं है जी, लो है जी, ये इसकी वजह से बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाती है। लेकिन वन एंड थ्री बिल्कुल करेक्ट है जी, जो फ्लोटिंग रेट डेट है जी सेंट्रल गवर्नमेंट का वो लेस देन 5% ऑफ पब्लिक डेट से, और पहला भी सही है जी लगभग, ये देखो जी 70% से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पब्लिक डेट में हिस्सा है जी, और ये लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो पॉज करके फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऑफन सीन इन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे रिसेंटली रेफर्स टू। ये बजट और सर्वे में ये टर्म दिखाई देती है जी आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका क्या मतलब है ये बताना। अगर आपको कैपिटल का मतलब पता होगा ना, कैपिटल फॉर्मेशन का, तो आप बता दोगे इसे। नेक्स्ट है जी क्रिएट, मतलब स्टेटमेंट है क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्यूरेबल इकोनॉमिक असेट्स, मतलब इसका मतलब है GDCF का कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और ड्यूरेबल इकोनॉमिक असेट बनाना, मतलब ऐसी संपत्ति बनाना जो बहुत सालों तक चले, कोई बिल्डिंग बनाना, माउंट बिल्डिंग बनाना, कोई ऑफिस बनाना, कोई मशीन खरीदना, ऐसी असेट जो बहुत सालों तक चले, इसका ये काम है क्या, इसका मतलब ये है क्या। सेकेंड है मनी सर्कुलेशन इन पब्लिक हैंड, जितना भी लोगों के हाथों में पैसा है ये मतलब है क्या इसका। कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर, जो बैंक हैं उनका कैपिटलाइजेशन करना इसका मतलब है क्या।
या फिर फोर्थ डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टमेंट इन कंज्यूमर गुड्स सेक्टर, जो कंज्यूमर गुड सेक्टर है जी उसमें इन्वेस्टमेंट करना, रिटेल में डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टमेंट, इसका ये मतलब है क्या? इसका सही आंसर है जी ए, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है जी ऐसी असेट संपत्ति बनाना जो ड्यूरेबल हो, मतलब बहुत समय तक चलें। जैसे आज बिल्डिंग बना दी तो ये सालों, 100 साल, 200, 300 साल तक चलेगी ना, तो यही होती है जी ड्यूरेबल असेट। या कोई मशीन खरीद लीजिए, कई सालों तक वो प्रोडक्ट बनाएगी, तो ये होती है जी ड्यूरेबल असेट। तो इसका मतलब भी यही है जी, GDCF का, इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्यूरेबल इकोनॉमिक असेट बनाना। नेक्स्ट है जी, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन टू सेफ गार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आपको बताना है जी सुप्रीम कोर्ट के लिए, ताकि वो इंडिपेंडेंट तरीके से, आज़ाद तरीके से, पक्षपात के रहित, इम्पार्शियल का मतलब है कोई पक्षपात ना हो किसी के प्रति, इम्पार्शियल तरीके से अपनी फंक्शन कर सके, अपनी जो अथॉरिटी है जी उसको क्या है इम्प्लीमेंट कर सके, अपना काम सही तरीके से कर सके, बिना किसी पक्ष के, बिना किसी के कंट्रोल में आए हुए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ सेफ गार्ड दिए हुए हैं, वो कौन कौन से हैं, किस किस में दिए हुए हैं ये बताना आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर प्रोवाइडेड विद दिस सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। देखो जी, इंडिपेंडेंटली और इम्पार्शियल तरीके से सुप्रीम कोर्ट इसलिए काम कर सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्हें सिक्योरिटी दी गई है उनके टेन्योर की। मतलब अगर मान लो 5 साल के लिए, मतलब 60 ईयर तक काम करेंगे, तो 60 ईयर तक काम करेंगे या जब तक रिटायर होंगे जब तक काम करेंगे, ये टेन्योर। अगर 5 साल के लिए अपॉइंट करते हैं तो 5 साल के लिए काम करेंगे, ऐसा कहने का मतलब है इसका, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का। सेकेंड है, देयर सर्विस कंडीशन कैन नॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट इवन ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी। इनके क्या है जी, अगर एक बार इन्हें अपॉइंट कर दिया और उनकी सैलरी कोई कंडीशन, मतलब सर्विस कंडीशन डिफाइन कर दी, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी क्यों ना हो, जब भी उनकी सैलरी वगैरह को घटाया नहीं जा सकता, इसका कहने का मतलब ये है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आपको पता होगा जी आर्टिकल 360 के अंदर गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन आज तक हमारे देश में ये लगाई नहीं गई 360 के अंदर, ये याद रखना है। नेक्स्ट है दी, जज सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ जज कैन नॉट बी डिस्कस्ड एंड आर नॉन वोटेबल बाई द पार्लियामेंट। ये बताना है जी कि जो सैलरी अलाउंसेज या पेंशन है जज की, वो उसे ना तो डिस्कस किया जा सकता है और ना ही पार्लियामेंट में उसको वोट किया जा सकता है। मतलब जैसे मान लो किसी कागज़ पर लिख के रिजोल्यूशन, मोशन लेके आए, उस पर वोट किया पार्लियामेंट का, लोकसभा राज्यसभा का, तो नॉन वोटेबल ये है, मतलब पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकती। तो आपको बताना जी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, आपके ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं देख लो, 1, 2, 2, 3, वन ओनली 1, 2, 3। देखो जी, थर्ड बिल्कुल गलत है, ये जो बिल्कुल सही है कि नॉन वोटेबल है, उसकी सैलरी अलाउंस, मान लो एक बार उसकी सैलरी डिक्लेयर कर दी, डिफाइन कर दी, तब तक वो अपॉइंट रहेगा, तब तक ना तो उसकी सैलरी को, अलाउंसेस को, पेंशन को वोट नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट में, नॉन वोटेबल है, ये तो सही है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि कैन नॉट बी डिस्कस, उसे डिस्कस किया जा सकता है जी, ये बिल्कुल सही है, इसमें लिखा है कैन नॉट बी डिस्कस, इसलिए गलत हो जाता है थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड के जहाँ जहाँ पे काट दो, अब बचा ए और सी, दो भी बिल्कुल गलत है जी। दो कैसे जी गलत है जी, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगती है तो प्रेसिडेंट चाहे तो किसी की भी सैलरी डिक्रीज कर सकता है, घटा सकता है, तो इसमें लिखा कैन नॉट बी चेंज सर्विस कंडीशन, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा जी। पहले बिल्कुल सही है जी, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया हुआ है इन्हें, तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा, पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट एज द गार्डियन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, व्हाट आर दीज पावर। देखो जी, जो इंडियन डेमोक्रेसी में क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इंडियन जुडिशियरी है, मतलब कोर्ट को पावर दी गई है एज ए गार्डियन, इंडियन जो भारतीय लोकतंत्र है उसके गार्डियन की तरह काम करेगा ये, मतलब मार्गदर्शक, मार्गदर्शक, मार्गदर्शक की तरह काम करेगा, मार्गदर्शन दिखाएगा, उसे मार्ग दिखाएगा लोकतंत्र को। तो ये पावर और इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना कौन सी करेक्ट है। एनी वन कैन अप्रोच द हायर जुडिशरी ऑफ इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाई द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी इंसान हायर जुडिशरी में अप्रोच कर सकता है, अपनी याचिका डाल सकता है, पिटिशन डाल सकता है, अगर किसी गवर्नमेंट एक्शन से वो प्रभावित हो रहा है तो। सेकेंड बोल रहा है, हायर जुडिशरी कैन इशू डायरेक्टिव टू चेक माल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल। जो हायर जुडिशियरी है जी, जो हायर जुडिशरी का मतलब है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो क्या है, अगर पब्लिक ऑफिसर, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है जी, कोई माल प्रैक्टिसेस कर रहा है, माल प्रैक्टिसेस का मतलब है जी कोई ऐसी चीज़ें जो उसके जुरिसडिक्शन में नहीं आती, या फिर अवैध गतिविधियां कोई कर रहा है, इल्लीगल प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो जुडिशरी डायरेक्टिव इशू कर सकती है उसके रिगार्डिंग के बाहर से, आप काम अच्छे से करो नहीं तो आप केस दर्ज हो सकता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है, 1, 2 दोनों है, दोनों गलत, दोनों सही है जी, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पे।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको करेक्ट बताना है कौन सी स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू एनी ऑफ इट्स जजमेंट और ऑर्डर। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है अपने किसी भी जजमेंट को, मान लो पहले कोई जजमेंट दिया है, फैसला सुना है, सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू कर सकता है, मतलब दोबारा उस जजमेंट को दे सकता है उसके रिगार्डिंग, किसी उसके रिगार्डिंग। ये कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को पावर दी हुई है, ये बताना करेक्ट है क्या। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाई ये रूलिंग कैन सीक ए रिव्यू। किसी भी पर्सन के खिलाफ मतलब जजमेंट दिए सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है रिव्यू करने के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट से कि आप प्लीज़ एक बार और रिव्यू कीजिए, मेरे जो फैसला सुना है रिव्यू करिए। तो क्या कोई भी ऐसा पर्सन सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है क्या? सीक का मतलब है जी ढूंढना या रिक्वेस्ट करना। द कोर्ट एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन टू अलाउ ए रिव्यू पिटीशन ओनली व्हेन इट अलाउज द ग्राउंड्स फॉर सीकिंग द रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है जी, अपनी मर्जी होती है, उसका मन है, मर्जी है, वो देखेगा ग्राउंड, किस ग्राउंड पे आधार देखेगा, किस आधार पे आप रिव्यू कराना चाहते हो किसी भी केस को, तो वो अपनी मर्जी से देगा, डिस्क्रिशन है सुप्रीम कोर्ट का, कोई बाध्य नहीं है जी उस पर देगा ही देगा, अपनी मर्जी ऐसी उसका डिस्क्रिशन है अपना। तो आपको बताना जी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी, 1, 2, 1, 3, 2, 3 या ऑल ऑफ दी अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या है जी, ऑल ऑफ दी अबव, तीनों सही है जी, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन और है जी एक, 11। विद रेफरेंस टू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ हाई कोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग। हाई कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है जी, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दूंगी, आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट बोल रहा है, हाई कोर्ट कैन रिव्यू द लॉज इनेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर ओनली एंड नॉट द वंस इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। हाई कोर्ट केवल उन्हीं कानून को ही रिव्यू कर सकता है, उन्हीं लॉ को रिव्यू कर सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट बनाता हो, क्योंकि स्टेट में होता है ना हाई कोर्ट, लेकिन जो पार्लियामेंट लॉ बनाता है उनका रिव्यू नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये बताना, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि पार्लियामेंट के लॉ बनाए हुए को रिव्यू नहीं कर सकता, स्टेट गवर्नमेंट जो बनाती है उसको कर सकता है। हाई कोर्ट कैन नॉट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन वाइल रिव्यूइंग एनी लॉ और ऑर्डर पास बाय द गवर्नमेंट एज सुप्रीम कोर्ट इज द सोल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाई कोर्ट क्या है जी, किसी भी लॉ को, कोई गवर्नमेंट कोई लॉ पास करती है उसको क्या है, इंटरप्रेट नहीं कर सकता, मतलब अर्थ, इंटरप्रेट का मतलब है जी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अर्थ निकालना, तो उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ओनली इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर है, वही इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है क्या, आपके ऑप्शन है जी 1 ओनली 2 ओनली, दोनों करेक्ट या दोनों गलत। देखो जी दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट बतानी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, नाइदर वन नाइदर टू, क्योंकि हाई कोर्ट जो स्टेट गवर्नमेंट लॉ पास करती है उसका भी रिव्यू कर सकता है और जो पार्लियामेंट करती है उसका भी कर सकता है, दोनों का कर सकता है जी, और हाई कोर्ट भी इंटरप्रेट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ही ओनली नहीं है, सोल का मतलब है जी ओनली, ओनली इंटरप्रेटर सुप्रीम कोर्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, हाई कोर्ट भी इंटरप्रेट कर सकता है, तो दोनों गलत है जी, हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे जी मंडे को, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है। अगर अच्छा लगे तो लेक्चर आप शेयर कर सकते हो, आपकी मर्जी है जी। धन्यवाद देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।